हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक सरफेस एंड एरिया। सरफेस एरिया में मैं आज डिस्कस करूंगा आप लोगों को फॉर्मूला के बारे में। फॉर्मूला तो वैसे आप लोग याद करते रहते हैं, लेकिन आज का जो ये वीडियो बन रहा है वो इसलिए हो रहा है कि अगर मान लीजिए आप मिस कर गए, अगर आप मिस हो गए, फॉर्मूला मिस कर गए, तो कैसे उसको कॉन्सेप्चुअली जो है आप दोबारा से रिमाइंड कर सके, इसलिए वीडियो बन रहा है। तो आइए पहला से हम लोग पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है? वह सॉलिड फिगर और थ्री फिगर जो हर साइड से क्या होता है, इक्वल होता है। हर साइड से क्या होता है, इक्वल होता है। अब ये सारे फेसेस जब इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जितने भी फेसेस इसमें होंगे वो किस शेप में होंगे, वो होंगे आपके स्क्वायर शेप में। किस शेप में होंगे, ये स्क्वायर शेप में। पहले ऊपर लिखे हुए वर्ड्स का मीनिंग बता दें आपको। सीएसए मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम का मतलब आप अंदर कितना स्पेस उसके अंदर है और आप सामान उसमें रख सकते हो, या वॉल्यूम में वाटर जैसे बोलते हैं कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, वो हम लोग वॉल्यूम का यूज करके फाइंड करते हैं। कर्व सरफेस एरिया मतलब होता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स। क्या होता है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। जैसे अगर रूम की पेंटिंग करनी हो तो रूम की पेंटिंग में हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स को काउंट करते हैं। तो क्यूब में अगर आप जानते हो कि एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो कुछ इसी से बना हुआ है कि साइड को हम मान लेते हैं ए, और ए इंटू ए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। और स्क्वायर है तो यहाँ पे कितने फेसेस है, 1 2 3 4। मैंने अभी बताया था एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो एक दीवार का एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर, और चार दीवार निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो गया, 4a स्क्वायर। ठीक वैसे ही टीएसए, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। उसमें चार दीवार का था, कितना दीवार है, 6 दीवार। कितने हैं फेसेस, 6 फेसेज है। तो 6 फेसेज है तो एरिया तो बदलना नहीं है। एक वाल का ए स्क्वायर होता है और 6 वाल का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। और वॉल्यूम में तो आप लोग याद रखिएगा, ये जितने भी सॉलिड फेसेस होते हैं क्या होते हैं, 3D शेप्स होते हैं। क्या होते हैं, ये 3D शेप्स होते हैं। 3D मतलब तीन डायमेंशन वाले। तो किसी भी फिगर का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो इनके तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दे। जैसे एक डायमेंशन ये है जो ए होगा, इसमें ये वाला भी क्या होगा, ए होगा। यानी हाइट भी ए है, ब्रेथ भी ए है, और लेंथ भी क्या है, ए है। और तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, ए क्यूब। क्या हो गया, ए क्यूब। ए क्यूब आपका यहाँ पे वॉल्यूम हो गया। याद रखिएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, कभी भी मिस हो तो तीनों डायमेंशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू ए इंटू ए। किसके लिए, क्यूब के लिए। तो क्या बन गया, ए क्यूब। क्या हो गया आपका, ए क्यूब। नेक्स्ट फिगर जो है वो है क्यूबॉइड। क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड समझिए रेक्टेंगुलर फेसेस को 3D में कन्वर्ट कर दिया गया। आप घर में अक्सर रूम जो होते हैं वो किस शेप में होता है, क्यूबॉइड शेप में होता है। जो रूम्स होते हैं किस शेप में होता है, क्यूबॉइड शेप में होता है। क्यूबॉइड में जो फेसेस होते हैं वो कुछ इस तरीके के रेक्टेंगुलर फेसेस बनते हैं। तो आप इसको पढ़ते समय अपने रूम को देखिएगा, अगर वो क्यूबॉइड शेप में है तो फॉर्मूला बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसमें आपके फोर वॉल्स है। क्या है, फोर वॉल्स। फोर वॉल्स में देखेंगे, दो वॉल एक शेप का है और दो वॉल क्या होता है, आपके रूम में एक शेप का होता है। तो अगर हमें एक वॉल का एरिया निकालना है तो क्या होता है, ये हाइट है, ये आपका ब्रेथ है, और ये क्या होता है, लेंथ। तो अगर मुझे एक का एरिया निकालना है तो क्या होता है, लेंथ इंटू ये लेंथ हो गया, और नीचे क्या है, ये हाइट है। क्या है, ये हाइट है, लेंथ इंटू हाइट। आपने लेंथ और हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब ये लेंथ इंटू हाइट है तो सामने वाला भी क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट होगा, और उसके बगल वाले में क्या है, ब्रेथ। क्या है, ये ब्रेथ, और इंटू हाइट यानी बीएच, और ये बीएच है एरिया, ये वाला एरिया क्या होगा, बीएच होगा। तो आपका हो गया 2LH+2BH। और देखिए 2 और H कॉमन है, 2H में बाहर ले लेता हूं, क्या बचा, L+B। ये होता है बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, किसका,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2HL+V, 2HL+V, फिर से रिकॉल कर रहे हैं क्या था, एक वाली है और एक वाली है, एक में क्या होता है रूम में ब्रेथ होता है, ब्रेथ का मल्टीप्लाई हाइट से किया, एक दीवार का एरिया निकल गया, फिर दूसरे दीवार का एरिया क्या होता है सेम होता है, इसलिए क्या हो गया 2BH हो गया, इस वाल में क्या होता है लेंथ होता है और यहाँ पे क्या है हाइट है, लेंथ इनटू हाइट के, तो इस वाल का एरिया निकल गया और ये वाल मिलकर क्या बन गया दो वाल हो गया, एरिया ऑफ फोर वाल्स का ये फॉर्मूला क्या बन गया 2HL+B हो गया। अब ध्यान देखिए टोटल सरफेस एरिया, अब इसमें जोड़ना क्या रह गया है, तो सिर्फ एक चीज बचा हुआ है जोड़ने के लिए, वो क्या है आपका टॉप और बॉटम, क्या है टॉप और बॉटम, टॉप ये टॉप है ध्यान दे रहे ये एल क्या है ये एल है कि नहीं है और यहां पे क्या है ये बी है, अगर ये टॉप है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू बी, भाई देखिए क्या है एल है और ये क्या है यहां से यहां तक की डिस्टेंस बी, एल इंटू बी इसमें हम एल इंटू बी कर देते हैं, अगर एल इंटू बी इसमें हम कर देते हैं तो ये एल इंटू बी क्या है सिर्फ टॉप का है और बॉटम हो जाएगा तो बॉटम में भी क्या रह जाएगा टू हो गया क्योंकि एक ऊपर का और एक नीचे का, तो यहां हो गया 2LB। अब ध्यान दीजिए 2 और 2 क्या है यहां पे 2 और 2 आपका है, इसको एक अगर इसको हम ओपन करना चाहेंगे इसके साथ आपको लिख के दिखाएंगे 2LH 2BH और यहां पे क्या हो जाएगा 2LB, जरा इस लाइन को देखिएगा इस पे नहीं, तो 2LH 2BH और 2LB, 2 मैंने कॉमन ले लिया क्या बचा LH प्लस BH प्लस LB, ये आपका फॉर्मूला होगा किसका TSA ऑफ क्यूबॉइड का, क्या अब इसको याद करने का एकदम आसान तरीका होता है, एक बार कॉम्बिनेशन L का कॉम्बिनेशन H के साथ, एक बार L का कॉम्बिनेशन B के साथ और एक बार B का कॉम्बिनेशन H के साथ, ये आपका बन गया TSA का फॉर्मूला। अभी मैंने बताया था वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब है एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्या तीनों यूनिट का मल्टीप्लाई, तो एक यूनिट है लेंथ, एक यूनिट है ब्रेथ और दूसरा यूनिट क्या है हाइट, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, एकदम आसान सा। अब आता है स्फीयर, स्फीयर मतलब बॉल, स्फीयर मतलब बॉल, बॉल तो सबने देखा होगा, बॉल शेप जो होता है इसमें रेडियस होता है, क्या होता है इसमें रेडियस होता है और रेडियस के अलावा और कोई यूनिट इसमें नहीं होती है ना, तो रेडियस है तो इसमें ध्यान दोगे कि इसमें कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है वही क्या होता है टोटल सरफेस एरिया होता है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है वही क्या होता है टोटल सरफेस एरिया होता है, तो इसमें फॉर्मूला क्या बनाया गया है आप सब जानते हैं, तो सर्कल से बना, सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, लेकिन जब हम स्फीयर की बात करते हैं तो कहां से शुरू होता है फोर से, कहां से शुरू होता है फोर पाई आर स्क्वायर से शुरू होता है, फोर पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया TSA ऑफ स्फीयर, TSA ऑफ स्फीयर का मतलब क्या हो गया फोर पाई आर स्क्वायर, मैंने अभी बोला कि TSA और CSA में कोई अंतर नहीं होता है इसलिए क्या हो जाएगा ये भी 4πr² हो जाएगा क्योंकि बॉल सब जगह से एक ही जैसा दिखाई देता है। अब आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या हो जाएगा 4/3πr³, मैंने बोला था ना ये यूनिट का डायमेंशन का मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहां तीन यूनिट यहां तीन यूनिट इसमें भी क्या होता है r³, ये क्या बन गया आपका 4/3πr³, इसी लाइन में आएगा आपका हेमिस्फीयर, क्या होगा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर किस तरफ शेप का होता है बाउल शेप का होता है, किस शेप का होता है बाउल शेप का, अगर बॉल को हम काट दे तो कैसा दिखाई देगा कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो ये होता है आर, क्या होता है ये आर। अब देखिए इसमें CSA होगा, क्यों CSA होगा क्योंकि इसका एक टॉप सरफेस एक्स्ट्रा बन गया, इसके टॉप सरफेस क्या हो गया एक्स्ट्रा बन गया, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 4πr² बड़े वाले बॉल का था आधा कर दिए तो उसका TSA कितना हो गया 3πr² हो गया, कितना हो गया 3πr² किसका भाई, तो ये हेमिस्फीयर का, किसका है हेमिस्फीयर का 3πr² हो गया,
और जो है अगर टॉप हटा देते हैं तो क्या बनेगा, ओनली सीएस से, जैसे ये क्या था टोटल में क्या था, ये भी जुड़ गया ये भी जुड़ गया, तो ये क्या है 3πr² का। जब टॉप का हटा दिए तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr² क्या हो जाएगा 2πr². अब देखो ये बॉल था तो 4/3πr³ था, अब इस 4/3πr³ में से क्या करें 2 से डिवाइड कर दे, 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 2 से ये, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा 2 × 2 = 4 कैंसिल हो जाएगा और क्या बनेगा 2/3πr³। ये हो गया आपका वॉल्यूम हेमिस्फीयर का। नेक्स्ट फिगर जो है वह है आपका सिलेंडर, क्या है सिलेंडर, सिलेंडर कुछ इस शेप में होता है, सिलेंडर में दो चीजें होती है, एक नीचे आर होता है रेडियस और एक बीच का हाइट होता है, क्या होता है ये हाइट, ये आर हो गया ये आर हो गया और ये क्या हो गया हाइट हो गया, यही इसका तीन डायमेंशन होता है। इसमें भी कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सर्कुलर सरफेस एरिया, जो आपका ये वाला एरिया दिख रहा है ये क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया हो गया। इसका भी जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है, इसका सिंपल सा आप लर्न कर सकते हैं डायरेक्ट, वो है 2πRh, क्या है 2πRh। अब इस 2πRh में अगर मैं क्या जोड़ दूं, ये वाला सर्कल का एरिया और ऊपर वाले सर्कल का एरिया, तो क्या बन जाता है ये बन जाता है TS से, जैसे भी मैंने आपके क्यूबॉइड में जोड़वाया था टॉप और बॉटम का, इसमें भी देखिए टॉप है और ये क्या है बॉटम है, इन दोनों का एरिया अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाता है आपका TS ऑफ सिलेंडर। तो πr² तो एक का एरिया हो गया और दो पीस है तो कितना हो जाएगा 2πr² 2πr और 2πr और r क्या है कॉमन है, बाहर ले लो 2πr और r 2πr बाहर ले लिया तो क्या बचा h plus r यहां बचा, ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया 2πr और h plus r, सिंपल सा 2πr h plus r, ये इसका हो गया ये आपका ये TSA ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट जो है वो क्या आएगा आपका वॉल्यूम, फिर से मैं बता रहा हूं याद दिला दूं आपको वॉल्यूम का मतलब क्या था, वॉल्यूम का मतलब था तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई। तो यहां पर सिलेंडर में क्या होता है कि पाई लगता है कि सर्कल आ गया, दो डायमेंशन r² और एक h, तो क्या बन गया फॉर्मूला πr² h, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि r 2 था तो r² हो गया, एक h हो गया हाइट और पाई एक्स्ट्रा आ गया, क्यों एक्स्ट्रा ही आया है वॉल्यूम में क्योंकि यहाँ पे क्या है सर्कल है, सर्कल में हमेशा पाई साथ में रहता है, πr² है जिसका क्या हो गया वॉल्यूम। नेक्स्ट फिगर जो है वो है कोन, क्या है कोन, कोन तो सबको पता ही होगा किस शेप में होता है, बर्थडे कैप, बर्थडे जो कैप होता है वो क्या होता है कोन शेप में होता है, या आइसक्रीम आप लोग खाए होंगे कौन सा जो ठेले पे मिलता है ना वो सब क्या होता है कोन शेप में, तो कुछ ऐसा दिखता है कोन से, इसमें तीन चीजें होती हैं, पहला होता है आपका एच, दूसरा एल, एल फॉर स्लैंट हाइट, एल फॉर स्लैंट हाइट, क्या होता है आर रेडियस और दिस इज कॉल्ड हाइट। तो इसका जो आपका कर्व सरफेस एरिया है बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला पाई आर एल, क्या है पाई आर एल, यानी एल को लेते हैं और पाई आर, तो क्या बन जाता है आपका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। दूसरा जो फॉर्मूला है टीएसए, टीएसए में क्या बचा रह गया भाई, तो बॉटम का एरिया, तो क्या जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर इसमें एड कर देंगे, किसका एरिया बॉटम का एरिया एड कर देंगे इसमें, तो πr कॉमन है πr कॉमन ले लेंगे बचा गया l प्लस r, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया πr l प्लस r, ये आपका हो गया व्हाट TSA ऑफ कोन, TSA ऑफ कोन। और लास्ट वन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का 1/3 हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग कोन का वॉल्यूम कहते हैं, क्या कहते हैं कोन का वॉल्यूम। कैसे देखो ये सिलेंडर बन गया ना, फॉर्म कर दिया ना मैंने एक पीस दो पीस और तीन पीस, यानी एक सिलेंडर के वॉल्यूम में हम तीन पार्ट कर देते हैं तो क्या निकल जाता है वॉल्यूम ऑफ कोन, ये बन गया 3πr² h, क्या है ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन है ना।
तो अगर आप तरीके से याद करोगे, अभी तो एक चीज बचा रह गया है इसमें, क्या है आपका स्लैंट हाइट, क्या है स्लैंट हाइट, कैसे एल फाइंड करते हैं। तो एल के लिए मैं इसमें से आपको कॉपी करना चाहूंगा, ये दिख रहा है सिर्फ, दैट इज कॉल्ड हाइट, दैट इज कॉल्ड एल, और ये हो गया आपका आर। आप लोग पढ़े होंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां एच स्क्वायर का मतलब क्या है, एल का स्क्वायर, पी मतलब क्या है एच का स्क्वायर, और बी मतलब क्या है आर का स्क्वायर, यानी एल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका हो गया एल का फॉर्मूला, है ना। यानी कोई भी चीज भूलेंगे तो उसके पीछे अगर लॉजिक याद रखेंगे तो क्या होगा, एग्जाम टाइम में आप दोबारा से उसको रिकॉल करके उस फॉर्मूले को खुद से लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर फॉर्मूले को लर्न किया जाए तो लाइफ टाइम फॉर्मूला कभी भूलता नहीं है, और रटने पे क्या होता है एक समय के बाद आप क्या होते हो, भूल जाते हो। इसलिए वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और चीजों को लर्न करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।